फिट रहे इंडिया में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद कारगर वर्कआउट जिसकी आपको जरूरत भी बहुत पड़ेगी क्योंकि अब गर्मियां जो आ गई हैं। मेरा नाम याश्मीन मानक है और मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। जैसे कि अब गर्मियों का मौसम आ गया है, सभी लड़कियां ये चाहती हैं कि वो स्लीवलेस, हॉल्टर या रेसर बैग पहने, बट बहुत सी लड़कियां परेशान हैं अपने थिक आर्म्स की वजह से। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिनको आप घर पर ही करके अपने शोल्डर्स और आर्म्स को टोन्ड एंड ब्यूटीफुल बना सकते हैं, एंड देन यू कैन वेयर एनीथिंग यू वांट। ये एक्सरसाइजेस बहुत ही इजी हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक पेयर डंबल का चाहिए। तो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे फॉर द शोल्डर। दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड ओवरहेड प्रेस। इस एक्सरसाइज के लिए आप वेट पकड़ेंगे एब्सोल्युटली ईयर लेवल विद योर पाम्स फेसिंग द फ्रंट और आपके एल्बोज पॉइंट करेंगे बिल्कुल फ्लोर के ऊपर। नाउ फ्रॉम हेयर यू हैव टू गो अप एब्सोल्युटली स्ट्रेट। ऊपर जाके आपके आर्म्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। नाउ फ्रॉम देयर होल्ड इट फॉर अ सेकेंड और फिर धीरे धीरे वापस स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाइए। अपने स्टमक एंड हिप्स के मसल्स को टक्ड इन और स्क्वीज रखें एंड कीप योर नीज स्लाइटली बेंट विच इज कॉल्ड सॉफ्ट। नाउ अगेन एज यू गो अप टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन। व्हेन यू रीच द टॉप ऑफ द एंड एक्सरसाइज ब्रीद आउट एंड स्लोली रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजिशन। कोई भी एक्सरसाइज आप करें उसमें मोमेंटम यूज नहीं करना है। डू इट वेरी स्लोली एंड अंडर कंट्रोल। तो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि टोन करेगा आपके शोल्डर्स को। दूसरी एक्सरसाइज भी शोल्डर्स के लिए है। दिस इज कॉल्ड लैटरल रेजेस। इसमें आप वेट को पकड़ेंगे बिल्कुल अपने आउटर थाइस के ऊपर विद योर पाम्स इनसाइड एंड योर नकल्स आउटवर्ड। अब एल्बोज को थोड़ा सा बेंड रखते हुए यू विल रेज योर आर्म्स टिल योर आर्म्स आर हॉरिजॉन्टल टू द फ्लोर। ध्यान रखिएगा आपके आर्म्स लॉक्ड आउट पोजिशन में नहीं होने चाहिए। दैट इज एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट एंड लॉक्ड। थोड़ा सा बेंड जरूर रहे एंड डोंट गो हायर देन द शोल्डर लेवल। अदरवाइज शोल्डर के अलावा आपकी अपर बैक मसल ज्यादा वर्क हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आपके आर्म्स पैरेलल टू द फ्लोर ही रहे एंड देन फ्रॉम देयर धीरे धीरे आप वापस स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाए। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेम है जैसे कि पहली एक्सरसाइज के लिए थी। कीप योर नीज स्लाइटली सॉफ्ट और आपके हिप्स एंड एब्डोमिनल मसल्स टक्ड इन टाइट। सो एक्सहेल एज यू गो अप एंड व्हेन यू कम डाउन स्लोली इनहेल बैक टू द स्टार्टिंग पोजिशन। अब हम आते हैं अपने आर्म्स पर। हमारे आर्म्स की दो मसल्स होती हैं। द फ्रंट मसल इज कॉल्ड अ बाइसेप एंड द बैक वन इज कॉल्ड अ ट्राइसेप। पहले हम एक्सरसाइज करेंगे फॉर द बाइसेप। इसके लिए यू विल होल्ड द वेट विद द पाम्स इनसाइड। दोनों हाथ एब्सोल्यूटली स्ट्रेट एट आर्म्स लेंथ। अब धीरे धीरे अपने फोर आर्म्स को रोटेट करते हुए हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे सो दैट द पाम्स आर फेसिंग द शोल्डर्स एट द एंड। नाउ होल्ड दिस पोजिशन सिर्फ दो सेकंड के लिए और अपने बाइसेप्स को अच्छी तरह से स्क्वीज कीजिए और फिर धीरे धीरे वापस स्टार्टिंग पोजिशन पर। ध्यान रहे कि आपके अपर आर्म शुड नॉट मूव एट ऑल और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे अपने सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे टिल यू रीच द एंड पोजिशन एंड देन अगेन इनहेल व्हेन यू गो डाउन। अब हम बात करेंगे ट्राइसेप्स की जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है इन विमेन। ये वाली मसल थोड़ा डिफिकल्ट होती है टू टोन एंड दिस इज द वन विच हैंग्स लूज और बहुत ही बुरी लगती है अगर आप स्लीवलेस पहनना चाहें तो। फॉर दिस मसल वील डू एन एक्सरसाइज विच इज कॉल्ड ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। पहले हम करेंगे एक आर्म पर डंबल पकड़ेंगे अपने सर के ऊपर और फिर अपनी एल्बो को बेंड करके सर के पीछे लेकर आएंगे। दिस इज योर स्टार्टिंग पोजिशन। नाउ बिफोर यू बिगिन ध्यान रहे कि आपका अपर आर्म स्टेज क्लोज टू द ईयर बट योर हेड शुड नॉट लीन ऑन योर अपर आर्म। अब यहां से धीरे धीरे हम फोर आर्म को एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड्स द सीलिंग। अगेन लॉकआउट नहीं करना है आपको अपने एल्बो को। कीप इट सॉफ्ट होल्ड इट फॉर अ सेकेंड एंड देन स्लोली कम बैक टू द स्टार्टिंग पोजिशन। अगेन ब्रीद आउट व्हेन यू एक्सहेल।
किसी भी एक्सरसाइज में जब भी आप एफर्ट करेंगे, दैट इज व्हेन यू आर पुशिंग द वेट और से यू आर पुलिंग द वेट, तो आपको सांस छोड़ना है. और जब आप वापस अपने स्टार्टिंग पोजिशन पर आएंगे, व्हेन देयर इज नो एफर्ट, सो यू हैव टू ब्रीथ इन थ्रू योर नोज. सो दिस एक्सरसाइज यू ऑल्सो हैव टू डू ऑन द अदर आर्म. अगर आप बिगिनर हैं तो आप शुरू करें सिर्फ एक सेट से और हर सेट में आप कीजिए 16 रेपिटेशन ट्वाइस अ वीक टू बिगिन विद. नाउ डू इट वन डे, गिव अ 2 डेज ब्रेक एंड देन यू कैन रिपीट दिस एक्सरसाइज रूटीन अगेन. बिकॉज हमारे मसल्स को एटलीस्ट 48 आवर्स चाहिए होते हैं टू रिकवर. जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करें, आप 2 सेट से लेकर 3 सेट तक भी कर सकते हैं. तो ये थी एक्सरसाइजेस हमारे शोल्डर्स एंड आर्म्स के लिए. Try them out and within a month you'll see a noticeable difference.